हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एंड द क्लास ऑफ यूपीएससी सीसेट। टुडे आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा देखिए नंबर सिस्टम तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, सारे तो नहीं कर पाएंगे बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी ने ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट समझना है, बिकॉज कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। आप जिस क्वेश्चन को भी कर रहे हो तो उस क्वेश्चन की तरह का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इतना आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ओके, तो देखिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो उस केस में आपने स्पेशली ध्यान रखना है। वैसे तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, जिन बंदों ने प्रैक्टिस कर रखी है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कर रखी नंबर सिस्टम पे, उनका आंसर आ चुका होगा अभी तक। उनका आंसर आ चुका होगा कि भाई सीधा मैं 47 को 18 से डिवाइड करूं 36 आएगा, 11 रिमाइंडर बच जाएगा, 11 आंसर आ गया। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की हुई है उनका आंसर आ चुका होगा, बट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई, जिसको पता ही नहीं है कंसेप्ट यहाँ पे क्या लग रहा, वो नहीं कर पाएगा। तो पहले एक बार ध्यान से समझो कि जब भी आप एक नंबर को डिवाइड करते हो, एक नंबर है आपके पास में, उसको हम जब डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो एक क्या आता है, एक क्वोशेंट आता है बेटा। ठीक है, और नीचे क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है हमारे पास में, रिमाइंडर बचता है। तो अगर मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है तो नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। क्लियर? अब अगर मान लो मैं कहती हूँ एक नंबर है, उस नंबर को अब इसने यहां पे क्या किया, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 342 दैट मींस कि 342 से वो उसको डिवाइड कर रहे नंबर को, वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर। क्या कहा उसने कि भी 47 रिमाइंडर बच रहे, 47 एज ए रिमाइंडर। ओके, तो उस केस में अपने पास में नंबर क्या बनेगा, अगर हम नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास में नंबर क्या बनेगा, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, दैट मींस कि 342 क्यों प्लस 47, ये नंबर बनेगा आपके पास में, यही नंबर बनेगा। अब उसने क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा है कि बताओ अगर इसी नंबर को, अब नंबर तो मेरे पास आ गया, कहते कि इस नंबर को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 18 से डिवाइड करूं, तो नंबर ये है, इसको 18 से डिवाइड किया। जब हम इसको 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप देखो कि ये नंबर तो इससे पूरे का पूरा डिविजिबल है, 18 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, दैट मींस कि ये तो 18 से डिविजिबल है। ओके, अब अगर हम देखें इधर वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ये तो डिविजिबल है। ओके, अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, इस वाले पार्ट की, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो अगर मेरे पास में आ रहा है ए बाई बी बाई कोई भी नंबर है n, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये a बाई n, इसको इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है ना, a बाई n मींस ये वाला जो पार्ट है इससे भी डिविजिबल है, और यहां पे आपके पास में जो दूसरा है वो क्या कह सकते हैं हम, b बाई n। क्लियर? हां जी बिल्कुल क्लियर है, कोई इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो? हां जी, तो अब यहां पे उस केस के अंदर बेटा रिमाइंडर सेम आएगा। जैसे देखो आपको एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है 8 प्लस 7, ठीक है, इसको हमने 5 से डिवाइड करना, मैंने छोटा सा नंबर लिया ताकि वैसे आपको डायरेक्टली पता हो, तो क्या आएगा 8 प्लस 7 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब इसी को अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं 8 बाई 5 प्लस 7 बाई 5, बट ये हम किसके लिए ले रहे हैं बेटा, रिमाइंडर के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब जब हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास में, 3। ठीक है, जब 8 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है 3, 7 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज 0। ओके, तो यहां पे भी ऐसे ही है, आपको क्या देखना है, सिंपल रिमाइंडर को चेक करना है, रिमाइंडर को चेक करना है। तो अगर हम इस पार्ट के अंदर देखें तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, 0। जब हम इस पार्ट को देखें तो 47 को जब आप 18 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 18 2 36 36, और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 11। ओके, बताओ कोई इसके अंदर डाउट, क्लियर है?
अगर कंसेप्ट समझ आ गया, तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई और आ गया तो सिंपल हमने क्या देखना है कि भाई ये जो नंबर है पहले वाला, इससे ये डिविजिबल है, दैट मींस कि ये वाला पार्ट तो डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल आपको इस चीज को चेक करना है, इस चीज को चेक करना, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं बाद में कराती हूँ आपको, पहले इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये देखो। हाँ जी, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, पहले ये करते हैं, उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 357 वी गेट 39 एज ए रिमाइंडर। क्या बच रहा है? 39 रिमाइंडर बच रहा है। ओके, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर उसी नंबर को मैं 17 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? अब उस केस में देखो, हमारे पास में नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ गया, 357 कोशेंट प्लस 39, दिस इज द रिमाइंडर। ओके, अब अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूं, देन दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 17, दैट मींस कि रिमाइंडर विल बी जीरो, एंड दिस पार्ट इज, हां जी, व्हेन वी डिवाइड 39 बाय 17 देन रिमाइंडर विल बी 5। तो क्या आ गया आपके पास में, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे सभी। ओके, सो बैक चलते हैं, अभी हमारे पास में क्वेश्चन है दूसरा। क्या है क्वेश्चन? ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 11, सम ऑफ डिजिट्स इज 11 व्हेन द नंबर विद द सेम डिजिट इज रिवर्स्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर द डिफरेंस इज 9, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा। तो देखो बेटा, ऐसे कर सकते हो आप कि एक तो हो गया कि ऑप्शन से कर लो, ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो थोड़ा सा लॉजिकली सोच के। एक हो गया पूरे क्वेश्चंस को जो मेथड है उसके साथ में सोल्व करके आंसर फाइंड आउट करना, दोनों है आपके पास में। अब जैसे यहाँ पे कहा सम ऑफ द डिजिट इज 11, तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करो भाई, इनका डिजिट का 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये दो तो नहीं हो सकते, सिर्फ यही दो बनेंगे, ठीक है, यही दो बनेंगे। अब इसके अंदर से भी उसने क्या कहा कि अगर हम नंबर्स को रिवर्स कर देते तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर हम इसका रिवर्स करते तो कितना आएगा, 56, ठीक है, और जब दोनों का डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, 9। इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 29, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 9 नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, दैट मींस कि ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया, सिंपल। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और जो दूसरा तरीका है अपने पास में, जो दूसरा तरीका है वो क्या है आपके पास, क्या कह रहा है आपके पास, द नंबर ऑफ डिजिट सम जो है वो 11 है। अगर मान लो मैं कहूं कि मेरा जो नंबर है दैट इज एक्स, ठीक है, एक डिजिट हो गई एक्स, या फिर आप ऐसे ले लो मेरा नंबर क्या है, एक्स वाई है, मेरा नंबर क्या है, एक्स वाई है। जब एक्स वाई है तो अगर हम नंबर फॉर्मेशन की बात करें तो बेटा नंबर फॉर्मेशन के अंदर ये नंबर कैसे बनेगा, दिस नंबर विल बी 10x plus y। और अगर हम दूसरा देखते हैं उसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, क्या बनेगा, 10y plus x। और ये क्या कह रहा है कि भी जो नंबर है उस नंबर के अंदर जो डिफरेंस है दोनों को रिवर्स करने के बाद में वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। दैट मींस कि 10x plus y minus 10y minus x is equal to 9। और यहां से अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, 9x minus 9y is equal to 9, दैट मींस x minus y is equal to 1। ओके, और सम कितना कहा उसने, 11, दैट मींस कि x plus y is equal to 11। हां जी, देखिए यही है कि आपके पास में जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 6, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 5। नंबर क्या बन गया फिर, 65। एक मिनट, हाँ जी, ओके, तो क्या बन गया हमारे पास, 6 and 5, सो योर आंसर विल बी 65। जो आपको मेथड अच्छा लगता हो वो आप चूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं स्ट्रोंग हूँ, मैं लॉजिकली स्ट्रोंग हूँ, तो इस तरह से कर लो। अगर मेरे को आपको लगता है कि हाँ जी मैथ्स के अंदर प्रॉपर मेथड से मैं स्ट्रोंग हूँ, तो आप उस वाले मेथड से कर लो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है बेटा, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। अब नंबर फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नंबर फॉर्मेशन पे ही डाटा सफिशियंसी है। क्या है, देखो, द सम ऑफ टू डिजिट्स, द सम ऑफ टू डिजिट्स इज 8, द रेशियो ऑफ टू डिजिट इज 1:3।
अब अगर आपके पास में दो डिजिट्स का सम है और रेशियो भी है, तो रेशियो अगर है तो हम दोनों डिजिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई जब रेशियो है, मेरे को माल पे लो, मेरे पास में ये नंबर है, ठीक है, ये रेशियो आ गई, उसने क्या कहा कि सम 8 है, सम 8 है, दैट मींस 4 इज इक्वल टू 8, 1 इज इक्वल टू 2, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6, नंबर आ गया, नंबर आ गया, दैट मींस कि इसकी हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अब हमें तो नंबर ही फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन क्या था कि नंबर फाइंड आउट करो, दैट मींस कि फ्रॉम द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन वी कैन आंसर, दैट मींस कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। बट सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे नहीं रुकना है, नेक्स्ट को भी चेक करना है आपने। अगर फर्स्ट से आंसर आ जाए तो नेक्स्ट को जरूर चेक करना है। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स ऑफ नंबर इज 12 एंड द कोशेंट ऑफ टू डिजिट्स इज 3, द कोशेंट ऑफ टू डिजिट इज 3, दैट मींस कि अगर आपके पास में ये इंफॉर्मेशन गिवन है ओनली सेकंड वन, तो क्या आप आंसर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, दैट मींस कि जो दो डिजिट है, जो नंबर है, उस नंबर की दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट, मींस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या कह रहा है 12, और एक्स डिवाइडेड बाई वाई क्या कह रहा है वो 3, दैट मींस कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 बाई एक्स, यहाँ पे अगर मैं 12 बाई एक्स पुट करती हूँ, 12 बाई एक्स पुट करती हूँ तो ये आ गई वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, दैट मींस कि फ्रॉम हेयर अगेन वी कैन आंसर, दैट मींस कि सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो सफिशियंट टू गिव आंसर, फर्स्ट और सेकेंड अलोन अलोन आपके पास में आंसर कर सकता है। That means what? कि यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आएगा, Either one or two alone is sufficient to give the answer. Either one or two alone is sufficient to give the answer. Clear? हाँ जी, कोई doubt? देखिए बेटा, जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, इसके अलावा आपके पास में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पे, सभी की प्रैक्टिस करनी, मींस नंबर सिस्टम के को तो टिप्स पे कर लो, ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट नंबर सिस्टम को टिप्स पे कर लो। आप एग्जाम के अंदर बेटा 10-12 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर सिस्टम में से, सिर्फ नंबर सिस्टम में से। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि हाँ जी कितना इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, ले नंबर सिस्टम तो किसी ने भी स्किप नहीं करना, नंबर सिस्टम को सभी ने अच्छे से कर लेना, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट सारा क्लियर कर लेना। ओके, अगर आपको नंबर सिस्टम सिर्फ अकेले की अंदर प्रॉब्लम आ रही, सिर्फ आप अगर नंबर सिस्टम चाहिए तो बेटा माइक्रो कोर्सेज में जाके नंबर सिस्टम ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है नंबर सिस्टम का, आप सिर्फ नंबर सिस्टम ले सकते हो। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर व्हेन 73 75 78 इंटू 57 इंटू 194 इज डिवाइडेड बाई 25, कह रहा है कि अगर हम उसको 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में डाटा गिवन है, हर बार आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन ना, जिसमें मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में डाटा गिवन होता है और कहते हैं कि हाँ जी 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, या कोई नंबर भी आ सकता है, ठीक है, तो उस केस में स्पेशली ध्यान रखो आप कि अगर आपके पास में इस तरह से क्वेश्चन है और जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड करना है, जिस नंबर से भी आपने उसको डिवाइड कर रहा है, अगर सिंगल एक टर्म भी उससे डिवाइड होती है तो रिमाइंडर जीरो बचेगा। ओके, तो अगर हम यहीं पे देखते हैं तो दिस, अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो ये 75 से कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो बचता है। तो अगर एक सिंगल टर्म भी डिवाइड होती है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ध्यान रखना है इसका, सिर्फ एक टर्म भी। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए ये होता है कि डिवाइडेड बाई 10 और यहां पे किसी टर्म के अंदर जीरो आ रहा होता, ठीक है, तो क्या होता, वो डिविजिबल बाई 10 हो जाता, दैट मीन्स कि जीरो रिमाइंडर बचता। क्लियर, इसी तरह से 10 से डिविजिबिलिटी, 100 से डिविजिबिलिटी, उसकी भी सभी ने प्रैक्टिस कर लेनी है। 10 से डिविजिबिलिटी की अगर आता है क्वेश्चन की डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस कि यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है। 100 दैट मींस कि लास्ट के टू डिजिट्स आपको फाइंड आउट करने, दोनों के रूल्स पता होना चाहिए सभी को। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगेन क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पे प्लस है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे ही अप टू अगर मैं 1000 जाऊं, 1000, और उसको हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या रहेगा, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर।
दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी देखिए, आप देखिए बेटा, पहले तो फैक्टोरियल का मीनिंग सभी को पता होना चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया तो फैक्टोरियल सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वन फैक्टोरियल की, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का भी आ सकता है, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी भी आ चुका था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर आपका 100 से डिविजिबल आया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता इस बार इस तरह का आ जाए कुछ, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम वन का फैक्टोरियल देखते हैं कितना आएगा, वन टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 into 1, दैट मीन्स कि अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, 2। ओके, 3 फैक्टोरियल कितना आएगा आपके पास में, 6। ओके, 4 फैक्टोरियल कितना आएगा आपके पास, 4 into 3 into 2 into 1, दैट मीन्स कितना आ गया बेटा, 24। 5 फैक्टोरियल कितना आएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दैट मीन्स 120। 6 फैक्टोरियल इसी तरह से लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, 720। ओके, व्हाट डज इट मीन कि जब भी आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हो तो उस केस में क्या हो रहा है कि जिस भी नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं, वन से लेके उस नंबर तक जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू आएगी दैट इज योर फैक्टोरियल। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं यहां से, इससे पहले अपने पास में जो नंबर है वो क्या आ रहा है, 24 तक आ रहा है। अब हमें डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 10 से चेक करनी है। अब देखो, अगर मैं 5 फैक्टोरियल देखूं तो यहाँ पे मेरे पास में 5 into 2 बनेगा, दैट मीन्स कि लास्ट में 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल। ओके, इसके बाद अगर मैं 6 फैक्टोरियल करूं तो भी लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 5 into 2 वाला पेयर तो बनेगा ही बनेगा, हर बार बनेगा। ओके, तो अगर हम इसी तरह से इसको लेके चलें तो क्या बनेगा आपके पास में, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स की 120, दैट मीन्स की 10 इंटू कोई भी एक अपने पास में इंटीजर लग रहा है, 120 है ना, 120 के लिए आप कुछ भी ले लो कि भाई 10 और अंदर कोई ना कोई एक नंबर आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है, प्लस 10 इंटू कोई सेकेंड इंटीजर आएगा, अप टू कहाँ तक, पूरे 1000 तक। जब पूरा आप 1000 तक जाते हो तो हर बार एंड में 0 तो आएगा ही आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि यहां तक अगर मैं चेक करूं, यहां तक, ठीक है, दैट मीन्स दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 10, दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 10, नो इश्यू। बट आप इसके अंदर ये नहीं कहना कि हाँ जी 0 रिमाइंडर बचेगा, बेटा मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है बीच में, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम इन नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 2 और 1 3 और 6 9 9 33 हो गया, 33 प्लस यहाँ पे 10 और अंदर यहाँ पे अपने पास में कोई नंबर बनेगा, आप n ले लो इसको, कोई कांस्टेंट बनेगा, k ले लेती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी हर एक केस के अंदर, ठीक है। अब अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज डिविजिबल बाई 10, This is divisible by 10, वही first question वाला concept आ गया। और हज अगर हम इस part की बात करें तो यहाँ पे अपने पास में remainder क्या बच रहा है, 3, क्या remainder बच रहा है बेटा, 3, तो answer क्या आ जाएगा आपके पास में, option A, 3 will be the correct answer, okay, clear है, कोई इसमें minor सा doubt आ रहा हूं, कोई भी minor सा doubt आ रहा हूं। अब यहाँ पे आपके पास कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, यहाँ पे 100 जैसे 10 है, इसकी जगह पे आपके पास 6 आ सकता है, 24 आ सकता है, तो जहां तक वो टर्म नहीं आती उसके बाद की सारी टर्म्स तो डिविजिबल है, उससे पहले वाले जो भी टर्म्स है ना उससे डिवाइड करके देख लेना आपने कि क्या रिमाइंडर बचता है, दैट इज योर आंसर। पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल क्या करोगे, उससे जो पहले वाले टर्म्स है ना उनको चेक कर लोगे कि उससे रिमाइंडर क्या बच रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6। अब एग्जाम के अंदर ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये दो टर्म्स है ये कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। अब
ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास एक नंबर की बजाय मल्टीपल नंबर्स गिवन है कि भाई इस नंबर से भी डिविजिबल है, इस नंबर से भी डिविजिबल है, इस नंबर से भी डिविजिबल है, लाइक दिस 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो उस केस में हमने क्या करना है, पहले उनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अब जैसे यहाँ पे 4, 5 एंड 6, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 60 आ गया। ठीक है, अब ये चेक करो कि भाई 60 से डिविजिबल कितनी टर्म्स है, जितनी टर्म्स 60 से डिविजिबल होंगी वो ही टर्म्स 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आ जाता आपके पास में 5, 8, 9, तो फिर क्या करते, उन तीनों का एलसीएम निकाल लेते। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, सबसे पहला काम है कि इसका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकाल लोगे, उसके बाद चेक करो कि भाई 400 तक, अप टू 400, टू 400 60 से डिविजिबल टर्म कितनी है, 60 से डिविजिबल टर्म कितनी है, कितनी है, क्या करोगे 400 को 60 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर पे फोकस करना है बेटा, रिमाइंडर कितना बचेगा, क्योंकि 6 6 36 6 7 42 6 6 36, दैट मींस की सॉरी क्वोशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट कि जब आप इसको डिवाइड करते हो तो अपना जो आंसर आ रहा है, क्वोशेंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है, हाँ जी 6 6 36, दैट मीन्स कि 6 आ रहा है, दैट मीन्स देयर आर टोटल 6 टर्म्स बिटवीन 0 to 400 विच आर डिविजिबल बाय 60। देखो कैसे क्या आ जाएगा, ऐसे बनेंगे सारे टर्म्स। ठीक है, हमें 400 से नीचे नीचे की लेनी है, तो कितनी आ गई आपके पास में, ये टर्म्स आ गई, कितनी आई 6 टर्म्स आ गई। ओके, तो इसके लिए आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा उसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उतनी टर्म्स बनेगी। ओके, अब इसी तरह से अगर हम देखें, हाँ जी अप टू 800, तो 60 से डिविजिबल टर्म्स कितनी बनेगी, 800 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, जो भी आपके पास में रिमाइंडर सॉरी जो भी आपका क्वोशेंट आएगा। ठीक है, तो क्वोशेंट यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, 13 आएगा। ठीक है, हाँ जी 780 टर्म बनेगी आपके पास में, जो कि डिविजिबल रहेगी बेटा 60 से। अब उसने पूछा कि 400 और 800 के बीच में, बीच में दैट मीन्स कि इन बिटवीन 400 एंड 800, तो कितनी बनी टर्म्स, 13 माइनस 6, टोटल 13 थी, जिसमें से जो 6 टर्म्स हैं जो कि 400 से बिलो हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो कितनी बच गई आपके पास में, 7 टर्म्स, दैट मींस कि 7 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्या जाएगा 7 विल बी द करेक्ट आंसर, कोई डाउट इसमें माइनर सा, क्लियर। ओके, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विच नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड 461, 462, 4 raised to power 63, 4 raised to power 64। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आ सकता है, एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 4 raised to power 61 इसकी जगह पे ऐसे भी हो सकता था, 7 raised to power 52, कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो ना बात। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो उसमें करना क्या है, हमने करना क्या है कि जो सबसे स्मॉलर टर्म है उस टर्म को हमने बाहर निकाल लेना। अब जैसे यही है, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 4 raised to power 61 हमारे पास में सभी में एक तरह से कॉमन है, क्योंकि जब पावर की बात हो रही है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो 462 का मीनिंग क्या है, पहले तो मीनिंग समझो, इसका मीनिंग है बेटा 4 into 4 raised to power 61। ठीक है, इसका मीनिंग यही है, दैट मीन्स व्हाट कि भाई इसके अंदर भी 4 raised to power 61 आ रहा है और इसके अंदर भी 4 raised to power 61 आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 4 raised to power 63 की, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 4 into 4 into 4 raised to power 61, दैट मीन्स एक पावर ये, एक पावर ये, सारी पावर्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो कितना बन गया, 63 बन गया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको आगे बढ़ें, तो 4 raised to power 61 को आप बाहर निकाल सकते हो एज ए कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 + 4 + आपके पास कितना बच गया, 4 चौके 16 चौक 64। व्हाट डज इट मीन कि 4 raised to power 61 मैंने बाहर निकाल लिया,
तो इसको क्या बच गया, वन ही बच गई, जीरो पावर बच गई, दैट मीन्स कि वन, या फोर एज टू पावर 61 को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर एज टू पावर 64 ही आएगा, एक ही बात है। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर जीरो है तो वो हमेशा इक्वल किसके रहेगा, वन के इक्वल रहेगा बेटा, किसके इक्वल रहेगा, वन के इक्वल रहेगा। ये छोटे छोटे टर्म्स ही हैं, अगर ये आपके क्लियर है ना तो फिर सी सेट में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह से ये क्या है आपके पास, फोर एज टू पावर वन, एक पावर तो बाहर आ गई 61, तो एक अंदर बच गई, फोर एज टू पावर टू, फोर एज टू पावर थ्री, फोर एज टू पावर, ये लगा लो जीरो, यही है, क्लियर। अब अगर हम आगे देखते हैं इसको तो क्या बन गया आपके पास में, ये टोटल आप इसका करोगे तो हो गया आपके पास में दिस विल बी 80 एंड दिस इज 85 है, ठीक है। अब अगर हम इसको कहते हैं 85, तो उस केस के अंदर अपने पास में टर्म्स क्या बनेंगी, 4 एज टू पावर 61 17 इंटू 5, दैट मीन्स वट, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 17 एज वेल एज आपके पास में डिविजिबल बाई 5, क्लियर, एंड डिविजिबल बाई 4, तो यहां पे अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, 17 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर। कोई इसके अंदर डाउट, हाँ जी, किसी को कोई भी इसके अंदर डाउट आ रहा, डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज टू पावर 90 इज डिवाइडेड बाय 96, 2 रेज टू पावर 90 इज डिवाइडेड बाय 96, 96 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा क्या है, जब भी हमारे पास में इस तरह से कोई टर्म आती है तो सबसे पहले तो हमने कोशिश क्या करनी है कि जो नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे जो पावर में नंबर है ना, ठीक है, तो इसको उसी के नियर बाई नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, 2 रेज टू पावर 90 है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा पास में नंबर कैसे बन रहा है, देखो 2 रेज टू पावर 5, दैट मीन्स कि 32 इंटू 3, इस नंबर को हम ये लिख सकते हैं, क्यों कर रही हूँ मैं, रीजन बीइंग कि यहाँ पे 2 है तो हम सोच रहे किसके नियर बाई की कोई मेरे पास में वैल्यू आ जाए, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में 3, पॉइंट इज क्लियर। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो उस केस के अंदर आपका रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, एक थ्योरम होती है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई नंबर कैंसिल आउट होता है तो उसको आप कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो, और एंड में जब आप फाइनल आंसर निकाल रहे हो तो जिस भी नंबर के साथ में आपने कैंसिल आउट किया, दैट मींस कि डिवाइड किया, उसी के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इतना सा कहती है रिमाइंडर थ्योरम। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो ये क्या बन रहा है अपने पास में नंबर, ये जो नंबर है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5 * 2 रेज टू पावर 85 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 * 3 लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि हम इसके साथ में इसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल आउट किया, जब लास्ट में आंसर निकालेंगे तब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी, ओके। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 रेज टू पावर 85 डिवाइडेड बाई 3, ओके। अब देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास में वैल्यू आती है 2 रेज टू पावर 1, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, रिमाइंडर बचेगा बेटा 2, दैट मीन्स कि अगर पावर ओड है, अगर पावर ओड है, इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, तो उस केस के अंदर आपके पास में क्या बचेगा, पावर रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं करती हूँ 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स क्या हो गया, 4/3, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, 1, मीन्स बट कि अगर इवन पावर है, इवन पावर है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास में, ओके। यहीं पे अभी मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी, बट कंसेप्ट बेटा क्लियर होना जरूरी है, पता चल गया क्यों किया है मैंने, रीजन क्या है यहां पे लिखने का। तो अब यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर क्या है, ओड है, ओड पावर, ओड पावर, दैट मीन्स कि रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, हाँ जी, जब आपके पास में पावर ओड है तो रिमाइंडर क्या है बेटा, 2 है, दैट मीन्स कि इस पूरे का रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास में, 2 आएगा, कितना रिमाइंडर आ गया आपके पास, 2 रिमाइंडर आ गया, ओके। अब
मैंने अभी आपको क्या कहा था, जिस नंबर के साथ में हमने इसको कैंसिल आउट किया उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब फाइनल जो रिमाइंडर है, फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 2 × 2⁵, दैट मीन्स 2⁶, और यू कैन से 32 × 2, दैट मीन्स के 64। तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, 64 विल बी द करेक्ट आंसर, 64 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के रूल्स, फॉर्मेट थ्योरम, बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लीजिए। वहां पे मैंने सारा डिटेल में कराया हुआ आपको, फॉर्मेट थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के कौन कौन से रूल है, वो सारा डिटेल में। ओके, आगे देखिए क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200% एंड डिनोमिनेटर is of the fraction is increased by 150%, then the resultant fraction is 9/35. What is the original fraction? ये भी काफी important type है, काफी important type है। अब देखिए, जब भी इस तरह से question आता है तो एक बात को समझ लो, 100% का meaning क्या होता है बेटा, 100% का meaning होता है बेटा 1। ठीक है, अगर मेरे पास में एक number है, मान लो मैं कहती हूँ मेरा number है 5, ठीक है, और इसको मैंने 100% इंक्रीज करना है। 100% मींस क्या हो गया कि कंप्लीट, 1 मींस हो गया बेटा कंप्लीट। ठीक है, अब इसका 5 का 100% क्या होगा, 100% ऑफ 5 क्या रहेगा, 5। क्लियर, या फिर हम इसको कह रहे हैं कि भाई अगर मैंने अपने नंबर को इंक्रीज कर दिया बाय 100%, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मेरा ओरिजिनल नंबर 5 था तो उसके अंदर मैंने 5 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 10। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या हो गया ये 200% हो गया, 100% इंक्रीज हो गया। खुद में, सेल्फ में नंबर क्या है, खुद में वो 100% है, हर कोई अपने आप में 100% है, हर नंबर अपने आप में 100% है, और वो कह रहा कुछ इंक्रीज कर दिया तो क्या करेंगे उसके अंदर उतना ही परसेंट ऐड कर देंगे। तो कितना, अगर 100% इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा 200%। अगर मैं कहती हूं कि 200% इंक्रीज हो गया तो नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, 300%। क्लियर, कितना हो जाएगा हमारे पास 300%। ओके, बस ये पॉइंट ध्यान रख लो, क्योंकि इसके अंदर बच्चे ना गलती यही करके आते हैं कि वो ना उसको 100 में ऐड नहीं करते, ऐड नहीं करते। अब देखो, अब मैं कहती हूँ मेरा जो नंबर है, मेरा जो फ्रैक्शन है, दैट इज एक्स वाई आई। अब उसने क्या कहा कि न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो, दैट मींस कि कितना हो गया 300%। ठीक है, डिनोमिनेटर को 150% इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, दैट मींस कितना हो गया 250%। तो नया कितना बन गया आपके पास में, 9/35 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 10। अगर इसको मैं 5 से कैंसिल आउट करती हूँ तो ये हो गया 5 से बेटा 2 और ये कितना हो गया हमारे पास 5। इसको कैंसिल आउट करते हैं 5 से, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7। दैट मीन्स एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई ये 2 इधर आ जाएगा। ओके, कितना आ गया 3/14 विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखो कि अगर मेरे पास में फ्रैक्शन में इस तरह से वैल्यू, तो इस तरह से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इक्वल टू का बीच में साइन आ रहा है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर सकते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हो। क्लियर, और जितना भी इंक्रीज किया है उसमें 100 ऐड करके करना है। अब जैसे यहाँ पे 200% इंक्रीज किया तो यहाँ पे 200 नहीं लेना, अगर आपने यहाँ पे 200 ले लिया वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, क्लियर। तो बेटे छोटे छोटे कंसेप्ट सारे मैंने नंबर सिस्टम के अंदर आपको डिटेल में करवाए हैं, एक एक कंसेप्ट। अब यहाँ पे तो मैं कुछ ही क्वेश्चंस करवा पा रही हूँ, तो अगर आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।